नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। दिवाली और छठ पूजा के लिए पटना से चलाई जाएंगी स्पेशल ट्रेनें। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दिवाली और छठ में लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए साथ ही घर आने जाने वाले लोगों को सहूलियत देने के लिए रेलवे ने पहले से घोषित ट्रेनों के अलावा 5 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन करने का फैसला लिया है। पूर्व मध्य रेल की तरफ से 10 नवम्बर से 2 दिसम्बर तक पटना से रांची, धनबाद, बरकाकाना, सिंगरौली और दुर्ग के लिए यह स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिसकी पूरी जानकारी पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने दे दी है और बताया है कि पूर्व में यात्रियों के अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए पटना से 5 जोड़ी समेत कुल 6 जोड़ी और ट्रेनें चलाने का फैसला लिया गया है। इससे यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, धनबाद पटना पूजा स्पेशल ट्रेन 10 नवम्बर से 30 नवम्बर तक चलाई जाएगी। तीसरे चरण के चुनाव का मतदान होगा कल। बीते दिन नियमानुसार 48 घंटे पहले बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण के मतदान के तहत चुनाव प्रचार को रोक दिया गया था। वहीं अब कल मतदान करवाए जाएंगे, जहां पर कुल मिलाकर 15 जिलों की 78 सीटों पर मतदान करवाया जाएगा, जहां पर कुल मिलाकर 1204 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होने वाला है, जिसमें 1094 पुरुष और 110 महिला प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, 4 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक और शेष 74 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि आखिरी चरण में कई दिग्गज नेताओं की किस्मत का फैसला होने वाला है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी, मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, विनोद नारायण झा, रमेश ऋषिदेव, नरेंद्र नारायण यादव, बीमा भारती, लक्ष्मेश्वर रॉय, खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद, वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी, पूर्व मंत्री अब्दुल जलील मस्तान समेत कई नेताओं के नाम शामिल हैं। पटना के कई इलाकों में बढ़ रहा है डेंगू का प्रकोप। कोरोना माहौल के बीच अब लोगों को डेंगू का डर सताने लगा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार राजधानी पटना के कई इलाकों में डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। खबरों की माने तो राजधानी पटना के कंकड़बाग, शास्त्री नगर, मंदिरी, इंद्रपुरी, ट्रांसपोर्ट नगर, महेंद्रू आदि इलाके में डेंगू का प्रकोप बढ़ गया है। वहीं पटेल नगर, रूपसपुर, आरपीएस मोड़ में भी डेंगू के मरीज मिलने शुरू हो गए हैं। आलम यह है कि कई मरीज जांच कराने पीएमसीएच, आईजीआईएमएस और निजी अस्पतालों और लैब में पहुंचने लगे हैं। बुखार से प्रभावित कई मरीज कोरोना के संदेह से अस्पताल जा रहे तो उनमें डेंगू के लक्षण निकल रहे हैं। हालांकि डेंगू से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। शहरी क्षेत्र में नगर निगम द्वारा और ग्रामीण क्षेत्र में मलेरिया विभाग द्वारा छिड़काव कराया जा रहा है। समूचे बिहार में दिसंबर के पहले हफ्ते से दिखने लगेगा कुहासा। इस बार बिहार में ठंड लोगों की हालत खराब करने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में ठंड का असर अभी से ही दिखने लगा है। नवंबर का महीना शुरू होते ही तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। हफ्ते भर के अंदर 6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। दिन के तापमान में भी लगभग 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों में मौसम में और ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा और रात के वक्त पारा तेजी से नीचे आते देखा गया है। वैज्ञानिकों की माने तो नवंबर के आखिरी हफ्ते में रात का तापमान 15 से 17 डिग्री के आसपास बना रहेगा और दिन के वक्त धूप में भी तपिश कम होगी। इसके साथ ही दिसंबर के पहले हफ्ते में कुहासा देखने को मिलेगा। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे यशवंत सिन्हा की। यशवंत सिन्हा का जन्म आज ही के दिन साल 1937 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। यशवंत सिन्हा एक पूर्व भारतीय प्रशासक, राजनीतिज्ञ और पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं। 21 अप्रैल 2018 को पार्टी छोड़ने से पहले वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। उनके बेटे जयंत सिन्हा एक सलाहकार और निवेशक, हजारीबाग निर्वाचन क्षेत्र के लिए 2019 के चुनाव जीतकर और नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री थे। 2015 में उन्हें फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पद के अधिकारी डेला लेगियन डी होनूर से सम्मानित किया गया था। राहुल गांधी ने युवाओं को नौकरी देने की बात फिर दोहराई। बिहार विधानसभा चुनाव अब बस अपने अंतिम पड़ाव में है। वहीं चुनाव से ठीक पहले सभी वरिष्ठ नेता वोटरों को साधने की व्यक्तिगत कोशिश करते देखे जा रहे हैं, जिसके तहत कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपना बयान हाल ही में जारी किया है, जहां पर उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनना तय है तो हर हाल में युवाओं को रोजगार पहुंचाने का काम किया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से किसानों को भी आश्वासन दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि उनके विकास के रास्ते अब बाधित नहीं होंगे। किसानों का कर्ज हर हाल में हम माफ करवाएंगे, उनकी फसल की उचित कीमत दिलवाएंगे और बिजली बिल भी आधा किया जाएगा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने बेटियों को मुफ्त शिक्षा दिलवाने की भी बात कही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अंतिम चुनाव के ऐलान पर जदयू ने पेश की सफाई। बीते दिन बिहार की राजनीति अचानक से गर्मा गई, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस साल अपने आखिरी चुनाव की बात कही, जिसके बाद बयानबाजियों का सिलसिला भी
शुरू हो गया था, जिस पर भाजपा समेत कई पार्टियों ने मुख्यमंत्री के इस बयान के अलग अलग मायने लगाए थे। वहीं अब जदयू ने खुद आगे आकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस फैसले पर अपनी सफाई पेश की है, जिसके तहत जदयू ने यह साफ किया है कि बिहार की जनता जब तक चाहेगी तब तक नीतीश कुमार उनके लिए काम करते रहेंगे। इस बाबत वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है कि विपक्ष को इन बातों पर खुश होने दीजिए, जनता की सेवा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा थे और रहेंगे। लालू यादव की टली जमानत याचिका, चारा घोटाले मामले में लालू यादव की जमानत याचिका को टाल दिया गया है, जिसके बाद अब यह सुनवाई 27 नवंबर को करवाई जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव के मामले में सीबीआई लगातार विरोध कर रही थी, वहीं अब सीबीआई ने कोर्ट से वक्त मांगा है, जिसके बाद सीबीआई के आग्रह को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। लालू के वकील की माने तो सीबीआई ने दुमका ट्रेजरी मामले में जमानत का विरोध किया है, जिसके बाद 23 नवंबर तक कोर्ट ने सीबीआई से काउंटर फाइल करने का निर्देश दिया है। लालू के वकील ने बताया कि सीबीआई ने जानबूझकर यह सब किया है ताकि लालू यादव 15 दिन और सलाखों के पीछे बंद रहे, लेकिन हम लोग इसका विरोध जरूर करेंगे। आज से कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे नीरज कुमार और डॉक्टर अशोक चौधरी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कल मतदान करवाए जाएंगे। इसी बीच नीतीश कुमार के दो मंत्री आज से कैबिनेट का हिस्सा नहीं रहने वाले हैं, जिसमें जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक चौधरी और वरिष्ठ नेता नीरज कुमार का नाम शामिल है। ये दोनों बिहार विधान परिषद के सदस्य थे। दोनों की सदस्यता 6 मई 2020 को खत्म हो गई थी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य रहे बगैर कोई भी 6 महीने से ज्यादा मंत्री पद पर नहीं रह सकता। आपको बता दें, राज्य सरकार के मंत्रिमंडल समन्वय विभाग ने इस बारे में गुरुवार की शाम आर्टिकल 164 के तहत अधिसूचना जारी कर दी थी। अशोक चौधरी का विधान परिषद सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल मई महीने में खत्म हो गया है। वहीं नीरज कुमार की सदस्यता भी 6 मई को खत्म हो गई थी। एनएसएमसीएच के नाम दर्ज हुई एक और बड़ी उपलब्धि, बेहटा स्थित अत्याधुनिक नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के वायरोलॉजी लैब को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, जिसके तहत इस लैब को नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड ऑफ लैबोरेटरी से मान्यता मिल गई है। अस्पताल NABL के सारे मानकों को पूरा करते हुए जांच रिपोर्ट तैयार की गई है। गौर करने की बात यह है कि एनएसएमसीएच के वायरोलॉजी विभाग में थर्मोफियर साइंटिफिक मशीन लगा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इस मान्यता के मिलने के बाद यहां HIV जैसे बीमारी का भी टेस्ट होगा और उसे मान्यता भी मिलेगी। NABL की मान्यता मिलने पर संस्थान के प्रबंध निदेशक कृष्ण मुरारी ने अपनी खुशी का इजहार किया है। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद JP नड्डा ने की कार्यकर्ताओं से मुलाकात। चुनाव प्रचार पर बीते शाम को ही रोक लगा दिया गया था। वहीं प्रचार प्रसार थमने के बाद कल अब आखिरी चरण के मतदान करवाए जाएंगे। इसी बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। मिली जानकारी के अनुसार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने पार्टी कार्यालय में लगभग 1 घंटे तक पार्टी के नेताओं के साथ प्रचार और 2 चरणों के संभावित परिणाम पर चर्चा की। पार्टी नेताओं की माने तो बीते दिन भाजपा अध्यक्ष ने दरभंगा के हायाघाट में चुनावी जनसभा की। इसके बाद उन्होंने दरभंगा के ज्वाले में रैली को संबोधित करके वो देर शाम पटना आए। प्रदेश कार्यालय आने के बाद वहां मौजूद पार्टी नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव के संभावित परिणाम पर विमर्श किया। इसके साथ ही पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने चुनाव में पूरी मेहनत की है और उसका सकारात्मक परिणाम पार्टी के पक्ष में आएगा। सोनू सूद से एक यूजर ने की बुर्ज खलीफा पर सेलिब्रेशन करवाने की मांग, एक्टर ने दिया मजेदार जवाब। सोनू सूद से आए दिन यूजर अलग अलग तरह की मांग करते देखे गए हैं। वहीं हाल ही में एक यूजर ने बुर्ज खलीफा पर जन्मदिन मनाने की इच्छा जाहिर की। दरअसल हाल ही में शाहरुख खान के बर्थडे पर बुर्ज खलीफा बिल्डिंग पर उन्हें खास तरीके से विश किया गया। बिल्डिंग पर हैप्पी बर्थडे शाहरुख खान का मैसेज लिखा गया था और एक्टर की अलग अलग फिल्मों के कैरेक्टर्स नजर आए थे। इसे शेयर करते हुए ट्विटर यूजर ने लिखा, सोनू सर 5 नवंबर को मेरा भी बर्थडे है, ऐसे ही बुर्ज खलीफा पर सेलिब्रेशन करवा दो प्लीज। इस पर सोनू सूद ने मजेदार रिप्लाई देते हुए लिखा, बस आपका जन्मदिन 3 दिन लेट हो गया भाई, खैर थोड़ी सी मेहनत करो और नाम कमाओ, जिंदगी में फिर देखना बुर्ज खलीफा क्या आसमान पे नाम लिख देगी दुनिया। IPL के एलिमिनेटर मुकाबले में एक दूसरे से भिड़ेगी आज शाम हैदराबाद और बैंगलोर की टीम। IPL 2020 का एलिमिनेटर मुकाबला आज शाम सनराइजर हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला जाएगा। आज के मैच में हारने वाली टीम का टूर्नामेंट में सफर खत्म हो जाएगा, तो वहीं जीतने वाली टीम को दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के विरुद्ध खेलना होगा। आज का मुकाबला RCB और हैदराबाद दोनों ही टीम के लिए बहुत अहम होने वाला है। आज के मैच में दोनों ही टीम बेहतरीन प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी। जीतने वाली टीम को क्वालिफायर 2 खेलने का मौका मिलेगा, जिसे जीतकर वो फाइनल में पहुंच सकती है। बैंगलोर को लीग चरण के अपने अंतिम मैच में हार का सामना करना पड़ा था। इतना ही नहीं, बैंगलोर पिछले कई मैच में लगातार हारती आई है। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 84 लाख के पार। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार
पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 47,638 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 84,11,724 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 670 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 1,24,985 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक पूरे देश में कोरोना का प्रभाव कम होता जा रहा है, जिस तरह से बीते कुछ दिनों में कोरोना के नए मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दें, भारत में अब तक कुल मिलाकर 77,65,966 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में 5,20,773 सक्रिय मामले बचे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार मौजूदा बिहार सरकार निचले तबके के लोगों की मदद करने में सफल साबित हो पाई है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।